अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं हेस्कॉल पेट्रोलियम को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हेस्कॉल वैसे तो एक डिफ़ॉल्टर स्टॉक है और मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता आपको किसी भी डिफ़ॉल्ट स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो हेस्कॉल पेट्रोलियम पे डिस्कस करने की वजह यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग हेस्कॉल में एंट्री लेना चाहते हैं या हेस्कॉल जिनके पास है पोर्टफोलियो में, तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो हाईली प्रॉफिटेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि हेस्कॉल इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पर आ गया है। इसमें रिस्क के चांसेस इस वक्त ना होने के बराबर हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा नज़र आ रहा है और शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है उन लोगों को जो रिस्क लेना चाहते हैं। और देखें व्यूअर्स, हमेशा आपने जो स्टॉक मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करना होता है, इस वक्त मार्केट का जो ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रही है और आज मार्केट लास्ट सेशन में थोड़ा सा करेक्शन ली थी, मार्केट ने सेलिंग प्रेशर था और 54,000 के लेवल को मार्केट ने तोड़कर नीचे आ गई मार्केट। लेकिन मार्केट का ये जो ट्रेंड है वो आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा और हेस्कॉल जो है वो इस वक्त भी 5 रुपये के लेवल पर है और ये और मैं समझता हूँ कि इसमें 2 से 3 रुपये का गेन शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। तो व्यूअर्स देखें, स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स काम करते हैं उन शेयर्स में जो स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं। हेस्कॉल एक डिफ़ॉल्ट शेयर है और इसमें फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल्स काम करते हैं। तो आज इन्हीं टेक्निकल्स बातों की बुनियाद पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है जो लोग हेस्कॉल ख़रीदना चाहते हैं, इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं या अपने पोर्टफोलियो के लिए लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ व्यूअर्स। आज की एक डिटेल वीडियो होने जा रही है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। हेस्कॉल पेट्रोलियम ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर की कंपनी है। अगर इस सेक्टर की हम दूसरी कंपनीज़ की बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कंपनीज़ जिनमें अटक पेट्रोलियम है, शेल है, PSO है, ये सारी कंपनीज़ अपने हिस्ट्री के हाई पर हैं इस वक्त। मार्केट के साथ साथ ऊपर जा रही हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें बहुत कम हैं जिसकी वजह से कंपनीज़ का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। इसका फ़ायदा हेस्कॉल पेट्रोलियम को भी होगा आने वाले दिनों में। आप देखेंगे कि हेस्कॉल में एक अच्छी मूव बन सकती है और शॉर्ट टर्म में ये 2 से 3 रुपये ऊपर जा सकता है। करंट प्राइस की बात करें इस वक्त 5.32 पर आज इसने क्लोजिंग दी है। कल इसमें एक मूव बनी थी और ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का गेन दिया था, अपर कैप हो गया था कल ये स्टॉक और आज ये इसने डिप लिया है और 5.32 पर क्लोजिंग हुई है। ट्रेडिंग आज भी इसने अच्छी कराई है, डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करने के लिए ये बेहतरीन शेयर है। 20 से 25 रुपये का गेन इसमें ईजीली मिल जाता है। मार्केट कैप की बात करें तो इसकी 5.33 बिलियन इसकी मार्केट कैप है। किसी ज़माने में ये एक ब्लू चिप कंपनी हुआ करती थी और अब ये एक पैनी स्टॉक बन चुका है। 52 वीक का हाई है इसका 8.47, 52 वीक का लो है 4.28, तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक लो पर है। इसमें अभी रिस्क बहुत कम है और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसमें 2 से 3 गुना मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में ये जो हमारी टारगेट प्राइस है वो 7 से 8 रुपये में ये जा सकता है। अभी देखेंगे कि कुछ ही दिन में ये इसमें एक मूव आएगी और ये स्टॉक 7 से 8 रुपये के दरमियान ट्रेड होने लगेगा। जो लोग इसमें शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो वो लोग ले सकते हैं। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है कि हेस्कॉल पेट्रोलियम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है, 10 नवंबर 2023 को इसकी बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और कंपनी अपने आप को रीब्रांडिंग करना चाह रही है और कंपनी की मैनेजमेंट की पूरी कोशिश है कि किसी तरह कंपनी को अपने पैरों पर दोबारा खड़ा किया जाए। इस वक्त हेस्कॉल पेट्रोलियम को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी और हेस्कॉल जो है वो गवर्नमेंट का वैसे ही एक पहले साथ काम करता रहा है, तो हेस्कॉल पेट्रोलियम में एक अपॉर्चुनिटी तो इस वक्त मौजूद है। तो जो लोग हेस्कॉल पेट्रोलियम में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एडवाइस है कि वो लोग इसमें अभी एंट्री ले सकते हैं, अच्छा लेवल है।
व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को टाइमली अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में गाइड करूं, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने हेस्कॉल पेट्रोलियम को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।